तो दोस्तों स्वागत है तुम लोगों को और एक नया फ्रेश धमाल वीडियो में। तो ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी धमाल भी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी मैं वीडियो के मतलब गेम प्ले शुरू होने से पहले जो भी मैं बोलूँ पूरा का पूरा स्किप ना करते हुए सुनना, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ दिनों से मैं रैंक्ड मैच खेल रहा हूँ, वो भी स्नाइपर के साथ, ये जानते हुए भी कि मैं स्नाइपर में पूरा का पूरा नूब हूँ। अभी चुल मचा था मुझे कि स्नाइपर से मैं न्यूक लूँ, क्योंकि देखो AKM से न्यूक लिया मैंने, डबल न्यूक लिया, उसके बाद चॉपर से भी लिया, पिस्तौल से भी लिया, न्यूक लिया, मगर क्यों ना हम लोग स्नाइपर से, वो भी रैंक्ड मैच में। मतलब मेरे को भाई बीच बीच में क्या चुल मचता है मुझे पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैचेस गए, हारा जीता ऐसे बहुत सारे गए, वो तो भाई प्रैक्टिस वाला मैच था, वो भी तुम लोगों को दिखाऊंगा इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों आगे का जो गेम पे तुम लोग देखने वाले हो वो मैं कट करके, मतलब जैसे ही मैं न्यूक लूँगा उसके बाद कट करके अगले गेम में चले जाऊँगा, क्योंकि 5 गेम लगातार अगर मैं एक साथ चलाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, तुम लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो गाइज़ आगे वाले तुम लोग पहले से देख लो, मेरा जो स्नाइपर का लोड आउट है वो देख लो और स्किन्स भी देख लो। ये वाले लोड आउट मैंने इस गेम के लिए यूज़ किया हूँ और लगातार बैक टू बैक 5 मैच में मैंने न्यूक लिया हूँ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं मैच को। और गाइस पिछले वीडियोस में तुम लोगों का जो एंगेजमेंट है वो देखते हुए मुझे मतलब इतना सुकून मिला ना दिल को, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके बाद मैं दोबारा वीडियो में जाता ही भी नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो, और क्योंकि वो जो लाइक और कमेंट का जो रेशियो है वो देख के मुझे इतना डिमोटिवेशन फील होता है ना गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। तो वही है, तुम लोग को मैं बताया था कि गाइस कमेंट करो, लाइक करो, कैसा लग रहा है बताओ मुझे कमेंट में, मगर तुम लोग भाई कमेंट भी नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। और गाइस ऐसे भी नहीं गाइस तुम लोग ये गेम प्ले देख के मुझे चैलेंज कर बैठो, ऐसा नहीं, क्योंकि गाइस देखो मैं बचपन से ही कंपटीशन में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर तुम लोग अगर कमेंट में बोलोगे कि मैं डर गया हूँ तुम लोगों से, हाँ भाई, क्योंकि भाई एक्चुअली देखो मैं नूब हूँ, तुम लोगों के सामने मैं नहीं जीत पाऊँगा, ओके, क्योंकि तुम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हो, हर रोज़ खेलते हो, मगर क्या होता है कि मेरे काम के वजह से मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को उतना अच्छा से खेल नहीं पाता हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 घंटे, मतलब हफ्ते में नहीं, हर रोज़ अगर मैं 2 घंटे खेलूं तो उसमें मैं अगर मैं 5 मैच खेलूं तो 4 मैच में जीत जाता हूं और 1 मैच हार जाता हूं, वैसा ही है। और अभी तो बहुत ही काम का प्रेशर है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 ही बार, मतलब 2 दिन में खेल रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी को, तो इतनी अच्छी तरीके से ग्राइंड नहीं हो पाता है, तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस। और तुम लोग वैसे भी तुम लोग अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो एक साथ टीम बन के खेलो, वीडियो में भी थोड़ा मदद हो जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ खेलोगे यार दोस्त मिलके खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब बातें करते करते खेलेंगे, मज़ेदार बातें करते करते खेलेंगे, कॉमेडी भी होगा और वीडियो का कंसेप्ट, मतलब वीडियो का कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। और वही है, क्योंकि गाइस देखो एक होता है फास्ट बेंचर, एक होता है लास्ट बेंचर, और हम ठहरे मिडिल बेंचर, ठीक है। हम आते हैं क्लास में, क्लास करके चले जाते हैं अपने आप, ठीक है, किसी से भी कोई भी वास्ता नहीं है, और इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, दोस्त भी नहीं बनता, ठीक है। तो गाइस तुम लोग अगर मुझसे खेलना चाहते हो, एक्चुअली में खेलना चाहते हो, तो एक साथ खेलो, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कंपटीशन से बेहतर तुम लोग अगर एक साथ खेलते हो तो तुम लोगों को भी मज़ा आएगा, हम लोग बातें करते करते खेलेंगे और हमको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे साथ 1v1 चैलेंज करेंगे, भाई पहले ही मैं बता मतलब हाथ खड़ा कर देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ, मैं नहीं जीत सकता तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग जो क्लच मारते हो भाई मैंने देखा है, तो ऐसा ही है, तो मुझे मज़ा नहीं आता गाइस। तो मेरा ज़िंदगी का यही रोल है, अगर किसी चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आता तो मैं वो चीज़ करते नहीं हूँ, चाहे वो किसी को पसंद हो या ना हो गाइस। देखो यार तुम लोग मेरे बात को बुरा मत मानो, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। और ये पहला मैच में मैं ये जैसे कि तुम लोग देख सकते हो लगातार किल्स करते हुए न्यूक किया हूँ मैं, सिर्फ ये जो है वह पहला मैच था, और जैसे ही न्यूक होगा उसके बाद मैं दूसरा मैच में शिफ्ट कर दूंगा, ओके। तुम लोग अपना अपना आईडी दे सकते हो, और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी जो नाम है मेरा रावण शुभो है, रावण पूरा कैपिटल लेटर में है और शुभो का एस कैपिटल लेटर है और UBHO,
तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और एक साथ मज़े मार के खेलेंगे, ठीक है। और टाइम जैसे कि मतलब तुम लोगों को मैं बताया था कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार मुझे खेल पाता हूँ, वो भी रात में, और संडे को शाम को 5 बजे से खेलता हूँ मैं। तो तुम लोग आ सकते हो, मेरे लॉबी में ज्वाइन कर सकते हो और एक साथ मज़े करते करते खेलेंगे। तो वही है, तो मुझे ख़राब लगता है गाइस, तुम लोग बोलते हो मुझे कि 1v1 चैलेंज करो, मुझे भी ख़राब लगता है कि मैं तुम लोगों से मैं खेल नहीं पाता हूँ, ठीक है। वही बात है, हार जाऊँगा तुम लोगों से, मगर ऐसा नहीं है कि हार जाऊँगा इसीलिए डर गया इसीलिए मैं नहीं खेलूँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है ये 1v1 फाइट है, अच्छा नहीं लगता। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, मगर देखो मतलब एक कैटेगरी का तो होता है ना, मतलब इक्वलिटी होता है। तुम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो हो और मैं बहुत ही ज़्यादा नूब हूँ, तो तुम लोग प्रो से प्रो बंदे लड़ाओ और नूब से नूब बंदे लड़ाओ, तभी ना प्रैक्टिस होगा। अगर प्रो बंदे से लड़ाओगे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तुम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो सकता है, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई बात नहीं है, मगर मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहता था, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला कि अपना अपना आईडी दो। मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप भी बनाया कुछ लोगों का, मगर वही भाई सभी के सभी भाई कंपटीशन को लेकर बैठा है, अभी मैं क्या करूँ, है ना, कंपटीशन ही कंपटीशन है चारों ओर। ये कंपटीशन में मैं एकदम कंपटीशन से मैं बहुत ही दूर, कोसों दूर, मीलों दूर रहता हूँ ऐसे करके। मुझे मज़ा जिसको आता है, जिस पर आता है वही पर मैं खेलूँगा ना, इसलिए। तो गाइस ये स्नाइपर का शॉट जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये शॉट जो है वो मेरा आया है, वरना मैं बहुत ही नूब हूँ। मैं अगले मैच में तुम लोगों को दिखा दूंगा कि वो प्रैक्टिस वाला मैच कैसा रहता है, ठीक है। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करो, अगले पार्ट जो है वही का और भी मज़ा आएगा, क्योंकि भाई मैं मतलब एम लगाते लगाते ही थक गया हूँ, ठीक है ना, उसके बाद बंदे मारता हूँ। तो ये तो भाई काफ़ी मेरा जो एक्यूरेसी है, एम है, वो काफ़ी सही हो चुका है अभी, मतलब काफ़ी नहीं, तुम लोगों के बेहतर नहीं। तो वही मैं बताना चाहता हूँ गाइज, तुम लोगों के अंदर जो एक काम कर सकते हो, तुम लोग अगर मेरे वीडियोस को देखते हो, तुम लोग अपने अंदर का जो प्रो आत्मा है वो बाहर निकल के उसके बाद तुम लोग देखो, तभी वीडियो देखने के लिए मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं चैनल खोला भी हूँ मज़े करते हुए गेम प्ले को बनाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तुम लोग अंदर का जो प्रो आत्मा है वो बाहर निकाल दो, तभी देखना कि तुम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा है ना, एंटरटेनमेंट हो बस और कुछ नहीं, ठीक है। एकदम सीरियस गेम प्ले मैं नहीं चाहता, मतलब ये चैनल सीरियस नहीं है, कुछ भी कोई भी एंगल से सीरियस नहीं है, सिर्फ मज़े के लिए मैं खेला हूँ और कुछ भी नहीं है। तो वही, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस लाइक कर दो एक, तुम लोगों के लाइक देखते हुए मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है। और भाई वीडियो के अंत में एक कमेंट छोड़ दो बस, कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा, कौन सा शॉट अच्छा लगा तुम लोगों को, वो तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में। और ज़रूर लाइक करना, लाइक करते हुए जाना, पूरा वीडियो को भी देखना, मुझे भी अच्छा लगता है गाइस। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइस, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बंदे हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए भी वीडियो को देखते हुए चला जाता है, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो वही, तुम लोगों को अगर अभी तक चैनल में नए हो, ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो जो लाल वाला बटन है उसको काला कर दो, ठीक है। और पास में एक बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ, मतलब नया वीडियो डालो, तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हर रोज़ एक दिन छोड़कर मैं वीडियो डालता हूँ, तुम लोगों को पसंद आएंगे, ठीक है। हफ्ते में 4 बार तो वीडियो में डालता ही हूँ, मिनिमम 4 बार, मैक्सिमम 5 बार, 3 बार भी कभी कभी हो जाता है। तो वही है, तो कैसा लग रहा है गेम प्ले ज़रा बताओ मुझे। और स्नाइपिंग देखो, मैं स्नाइप लेकर रश मोड में मैं नहीं प्रैक्टिस किया हूँ, दूर से ही, मतलब स्नाइपर बनाया गया किस लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वही है कि स्नाइपर बनाया गया किस लिए, रश करने के लिए तो नहीं है ना, दूर से बैठे स्नाइप कर रहा, मतलब स्नाइपर है लॉन्ग रेंज, दूर में बैठो, आराम से बंदों को मारो, इसलिए स्नाइपर जो है वो बनाया गया है। SMG पास में जाने के लिए है, LMG हो जो लॉन्ग रेंज में मशीन गन्स है वो करने के लिए, और स्नाइपर है दूर से बैठो और बंदे मारो, इसीलिए बनाया गया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं ऐसा खेल रहा हूँ, ठीक है।
तुम लोग मुझे जज कर सकते हो इसके इस बात से कि मैं कैंप पर हूँ वगैरह हूँ। और भाई जैसे तुम लोग देख सकते हो कि पहले मैच से पांचवा वाला जो मैच है मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मैं दूर पे बैठे नहीं सिर्फ नहीं पास में जाके भी बंदों को मार रहा हूँ। मगर वही है गाइस कि सिर्फ और सिर्फ स्नाइपिंग अगर तुम स्नाइपर अगर तुम हाथ में लिए हो तो दूर में बैठो और आराम से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर SMG लेते हो तो सामने जाके मारो, अगर गूदा रखते हो तो SMG लेकर सामने जाओ उसके बाद मारो, ठीक है ना। तो हर वक्त भाई मुझे क्या पता नहीं गाइस ये जो पांच मैच लगातार मैंने खेला है ना हर वक्त मुझे यही जगह पे स्पॉन होता है, मतलब मेरा जो टीम है मैच के शुरुआत में यही जगह पे स्पॉन हो गया। और भी है गाइस कि मिसकंसेप्शन है कि स्कोर एनिमीज का स्कोर इतना कम क्यों है और टीम का स्कोर इतना ज़्यादा क्यों है नूब बंदे के साथ, ऐसा नहीं है। हार्ड पॉइंट जो मैं खेला हूँ ना तो हार्ड पॉइंट का कंसेप्ट यही है तुम लोग चाहे जितने भी किल करो जब तक तुम लोग हार्ड पॉइंट में नहीं लौटते हो तब तक तुम लोगों का जो किल्स है वो फीड में नहीं दिखाएंगे। हाँ तुम लोगों का किल काउंट होगा मगर टीम के पूरा का पूरा ऑल ओवर जो टीम है वो टीम को इफेक्ट करेगा वो किल्स, ठीक है। जब तक तुम लोग हार्ड पॉइंट में नहीं मिलते हो, तुम लोग हार्ड पॉइंट में जब भी आते हो तुम लोगों का किल जो है मैच के लिए आ जाता है, ऐसा ही कुछ है, मैं समझा नहीं पाया हूँ शायद पूरा का पूरा, तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसीलिए गाइस कम है क्योंकि वे मैं इस मैच में हम लोगों का जो टीम है वो क्या कर रहे हैं कि दुश्मन के जो लोग हैं मतलब एनिमीज है उसको हार्ड पॉइंट में रीच ही नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए वो जितने भी किल कर रहे हैं एक भी काउंट नहीं हो रहा है मैच के लिए, उसके खुद के लिए काउंट हो रहा है मगर मैच के लिए काउंट नहीं हो रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो ये लगातार मैंने लास्ट मैच में क्या हुआ गाइस एकदम लास्ट में मुझे न्यूक मिला है एकदम लास्ट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा रुक के खेल रहा था, मैं आराम से खेल रहा था क्योंकि स्नाइपर लेकर अगर मतलब लगातार क्या हो रहा था कि पहले पहले मैच में लगातार गाइस 19 किल किया एक मैच में, उसके बाद 20 किल करने गया मर गया मैं, ठीक है। तो वही है इसीलिए मैं इस मैच में थोड़ा सा संभाल के खेल रहा हूँ ताकि मुझे न्यू फाइनली मिल जाए। तो फाइनल शॉट तुम लोग देख लेना गाइस लास्ट तक, जो लास्ट वाला न्यूक है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एकदम लास्ट मैच में मैंने न्यूक किया हूँ और जो किल फीड जैसा कि किल कैम दिखाता है ना वो भी न्यूक वाला किल कैम है, मेरा ही किल कैम है। ये देखो भाई अपने अपने भाई ये कौन सा बंदे है। और क्योंकि गाइस देखो रैंक्ड मैच अगर तुम लोग खेल रहे हो तो रात को खेलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, ठीक है। वो मैंने सभी के सभी मैंने शाम को खेला हूँ क्योंकि रात में रैंक कोई भी नहीं खेलता है, ठीक है, क्योंकि रात में सभी सो जाता है तो रैंक कौन खेलेगा रैंक खेलने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए गाइस मैं शाम को कुछ मैच खेला हूँ, कुछ मैच सुबह को खेला हूँ रैंक्ड में इसीलिए। और ऐसे कुछ नहीं कि मैं ग्राइंड कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि क्योंकि गाइस ये जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, सीज़न 14 जो ख़त्म हो चुका है और सीज़न 13 ख़त्म हो चुका है, सीज़न 14 आने वाला है तो उसका भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो तुम लोगों में दिखाऊँगा बाद में। और ये मैं सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट में दिखाने के लिए, ये देखो मैं हर न्यूक के बाद तुम लोगों में नहीं दिखाया हो क्योंकि मैं हर न्यूक के बाद जब भी मैं न्यूक करता हूँ मैं बम सुसाइड कर लेता हूँ, ये पता नहीं मैं किससे सीखा हूँ, हाँ एक विदेशी यूट्यूबर है आई फ्रेक नाम का उससे मैं सीखा हूँ, न्यूक करो बम से उड़ जाओ। ये देखो गाइस, तो गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।